हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को आइडेंटिटीज यूज करनी आ गई होंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं अगर आप लोगों ने देखी हो तो आइडेंटिटीज के ऊपर, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। सो अब हम लोग एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। तो देखो, अभी तक आपको रिप्रेजेंटेशन भी करनी आ गई कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो लिखनी है, या साइड में ब्रैकेट में लिखनी है, आपकी मर्जी, कैसे भी लिखो। पहला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि हम उसको जहां तक सॉल्व कर सकते हैं हम उसको वहां तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब यही होता है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, आइडेंटिटी यहां पे लिखते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि यहां पे तो एक्स है, यहां पे उसका स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज में कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। दिस होल टर्म इज कैन बी ट्रीटेड एज एक्स। सो देखो, अब इसको ओपन अप करते हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 होगी, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 होगी, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई नो हमने जो भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो ए और बी की फॉर्म में रिड्यूस करके पढ़ी हैं, बट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब क्वेश्चन ही ए और बी में हो, ए और बी वेरिएबल में हो, तो आप लोगों को जो आइडेंटिटी लिखनी है वो ए और बी में नहीं लिखनी है। मतलब कि जो वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो रहा है आपको उस वेरिएबल में आइडेंटिटी नहीं लिखनी जो आप ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, सो अब सेकेंड पार्ट देखो, इसमें दो दो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली भी और ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली भी। सो यहां पे आप दोनों आइडेंटिटी लिख लो ब्रैकेट में, क्वेश्चन के आगे ही नहीं, यहाँ पे तो स्पेस कम है, मैं इस वजह से ऐसे लिख रही हूं। या तो जहां पे आप इस आइडेंटिटी को ओपन अप करोगे वहां के साइड में लिखो, या जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो उसके नीचे ही लिख लो। ठीक है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, माइनस, इसको एक होल ब्रैकेट में ओपन करना, क्यों? क्योंकि इसके बाहर माइनस है, सो क्या होगा, अंदर के जितने भी साइंस हैं वो चेंज होंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में ओपन अप करना। 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x और 5 ब्रैकेट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको अभी तक ओपन करने में। अब देखो, 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x। नाउ 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x। देखो, ये दोनों हो गए अब कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? 20x प्लस 20x, तो आंसर क्या आ गया? 40x। प्लीज आइडेंटिटी जरूर लिखना। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, जो भी मैंने अभी तक आइडेंटिटीज के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने आपको हर एक में बोला है कि प्लीज राइट आइडेंटिटी इन ब्रैकेट कि आप यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। क्योंकि देखो, आपको पता है कि आप जानते हो तभी आप अप्लाई कर रहे हो, बट आइडेंटिटी के मार्क्स होते हैं।
और मैं हर वीडियो में रिपीट भी इसलिए कर देती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो चैनल पे नए होते हैं, नहीं आए होते तो उनको नहीं पता कि कैसे करना है। जो चैनल पे नहीं आए हैं मैं उनको बोलना चाहती हूँ, प्लीज व्यू द प्लेलिस्ट, अभी तक इससे पहले की सारी वीडियोस में डाल चुकी हूँ। तो देखो अब थर्ड पार्ट, ये भी सिमिलरली इसी की तरह है, बस यहाँ पे बीच में प्लस है। बट मैं फिर भी आप लोगों को बोलूंगी कि आप एक डायरी वाला जो ब्रैकेट है वो तब भी यूज करो, क्योंकि अगर आप लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो आपको पता होगा कि मैं ब्रैकेट को कितना इम्पोर्टेंस देती हूँ। ठीक है, देखो इसको ओपन अप करो एंड राइट आइडेंटिटी प्लीज, 7m² + 8n² - 2 7m 8n + 7m² + 8n² - 2 sorry यहाँ पे +2 7m 8n। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 49m² + 64n² - 56 2 112 112 nm + अब देखो ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर देते हैं, 49m² + 64n² + 112 nm। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब क्या बचा, 49 प्लस 49 कितना हुआ, 98m² + 64 and 64 so 128n² is the answer। कोई प्रॉब्लम यहां तक आई थिंक नहीं होगी। और ये जो स्टूडेंट्स मैं ऐसे उंगलियों पे कैलकुलेशन कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने अबाकस सीखा हुआ है सो मेरे को थोड़ा ऐसे ही हैबिट है कैलकुलेशन करने की। अब देखो फोर्थ पार्ट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पहले में 4m दे रखा है और दूसरे में 4n दे रखा है, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। फर्स्ट राइट आइडेंटिटी, मैं आप लोगों को आइडेंटिटी स्टूडेंट्स इस वजह से बार बार नहीं लिखवा रही क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में पहले बहुत बार ही लिखवा चुकी हूँ, उसके बाद मैंने स्पेस छोड़ा। आइडेंटिटी मैं आपको दो बार ही रिवाइज करा चुकी हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूँ। और अगर आप लोगों को नहीं याद हो रही देन प्लीज मेक अ सेपरेट थोड़ी सी पतली कॉपी कि आप उसमें रोज आइडेंटिटीज लिखो, क्योंकि ये आपकी 8th क्लास में तो यूज होंगी ही होंगी, बट आगे जब आप 12th तक जाओगे तो उसके आगे भी आप लोगों की यूज होती ही रहती है, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, सो अब इसको ओपन करते हैं, 4m²4m² + 5n² + 2 4m + 5n। ठीक है, नाउ +5m² + 4n² + 2 5m 4n। नाउ अब देखो 16m² + 25n² + 40nm + अगेन 25m² आएगा, 16n² + 40nm। अब जब हम इसको ऐड करके लिखेंगे सब कुछ तो क्या आएगा, 16 + 25 41 41m² + 41n² क्योंकि देखो ये भी 25 and 16 ही है। अब 40 और 40 क्या हो गया, 80nm is the answer। इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो अभी आ गए पॉइंट वाले क्वेश्चंस। तो देखो आइडेंटिटी तो आप लोग लिख ही लोगे। अब नाउ इसको ओपन अप करते हैं, 2.5p² + 1.5q² - 2 2.5
2.5p, 1.5q माइनस ब्रैकेट में 1.5p का स्क्वायर प्लस 2.5q का स्क्वायर माइनस 2 1.5p एंड 2.5q. गॉट इट? अब हमने ये दोनों आइडेंटिटीज ओपन अप कर ली. देखो स्टूडेंट्स, हर एक में वही वो मतलब कि स्ट्रैटेजी तो हम लोग सेम ही अप्लाई कर रहे हैं ना, बस उसका सोल्यूशन कैलकुलेशंस अलग है. तो मेथड हर एक चीज का, हर एक क्वेश्चन का, हर एक पार्ट का एक ही है, बट कैलकुलेशन और थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग है. तो देखो 2.5 का जब हम स्क्वायर, सबसे पहले आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस में अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो क्या देखा करो कि देखो जैसे 2.5 और 2.5 है. अगर आप लोगों को स्क्वायर जानते तो बहुत अच्छी बात है. 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है. ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो डेसिमल है तो यहां से दो डेसिमल छोड़ के एक डेसिमल लगेगा. ठीक है, तो 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस, अब ये 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 75 और पॉइंट बीच में, तो 7.5pq. ठीक है, माइनस 2.25p स्क्वायर प्लस 6.25q स्क्वायर माइनस अगेन सेम थिंग 7.5pq. अब देखो ये माइनस का साइन है तो अंदर के जितने भी साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे. 6.25p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq माइनस 2.25p स्क्वायर माइनस 6.25q स्क्वायर एंड प्लस 7.5pq. तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया. और अब देखो कि ये पी स्क्वायर वाली टर्म को हमें माइनस करना है तो 0.25 और 0.25 तो इसमें भी कैंसिल हो गया. क्या बचा? 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर. तो हम इसको रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कॉमन लेके आंसर. देखो इसमें कॉमन आ रहा था तो हमने ऐसे लिख दिया, और अगर कॉमन नहीं आ रहा होता तो बात ही अलग है, तो फिर तो हम यहीं पे छोड़ देते आंसर. ठीक है, आई होप इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी. कैलकुलेशन के लिए यह वाला पार्ट एक बारी खुद करके देखना, क्योंकि जब तक आप लोग डेसिमल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा आपको सॉल्व करना. और मैंने आप लोगों को सब सिखा दिया है कि डेसिमल वाले जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं वो कैसे करनी है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों को आता होगा. अब देखो सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ और सेवेंथ पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो सेम है, सेम उसमें स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है. तो देखो अब इसमें यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, ये एज इट इज रहेगा. तो आइडेंटिटी राइट करना, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. चलो ओपन करते हैं. ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी. ये जो चीज है वो एज इट इज आई है, इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है. ओपन करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी. तो देखो जो ये दोनों टर्म है वो कैंसिल हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो टर्म है वो सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तभी ये कैंसिल हो गई.
क्योंकि सेम अमाउंट हम माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आंसर सेम चीज इसमें अप्लाई होगी, इसमें वो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। इसको ओपन अप करके वो जो ये वाली जो दो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, देन वो आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। देखो इसको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी करना है वीडियो रोक के, ठीक है। आई होप सबने कर लिया होगा। सो अब यहां पे वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैं यहां पे लिख लेती हूं। चलो क्वेश्चन क्या है, सेवेंथ पार्ट। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहां पे, ए माइनस बी स्क्वायर वाली, लिख लेना। देखो जब आप लोग कॉपी करते हो ना, तो जो मैं तो आप लोगों को ये कहूंगी कि आप एक पार्ट नहीं, आप सारे पार्ट ही ऐसे कॉपी किया करो जो आपको पेपर में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करनी है, ताकि अगर आप प्रैक्टिस भी जिस चीज की कर रहे हो एग्जाम में भी आप लोग वही चीज लिख के आओ, ना कि ये कि हाँ आप लोगों को फिर हैबिट पड़ जाती है ना कि प्रैक्टिस ऐसे करी है तो ऐसे ही लिख देते हैं, वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम अगर इसको ओपन करेंगे तो कैसे होगी ओपन, एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एंड प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। ये चीज एज इट इज लिखी है, ये आइडेंटिटी ओपन हुई है। तो m की पावर फोर प्लस n की पावर फोर m का स्क्वायर माइनस टू एम क्यूब एन स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर। सो देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं वो सेम है, माइनस प्लस का साइन है तो कैंसिल हो गई, एंड द आंसर इज एम स्क्वायर प्लस एन की पावर फोर एम स्क्वायर। आई होप अब आप लोगों को सारे पार्ट्स क्लियर होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस नहीं करी होगी, बट सारे क्वेश्चंस एक बारी करके देखने जरूरी हैं सारे पार्ट्स, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इसमें आपको क्या करना है। और एक बार ये जो डेसिमल वाला है उसको दो बारी करना, अगर एक बारी में आपसे खुद से ठीक से आंसर नहीं निकल रहा है तो, वरना फिर दोबारा वीडियो देखना तब भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज डू कॉमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया कुछ भी चीज कहीं पे भी रह रही है तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट करो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छे से पढ़ो, आइडेंटिटीज को याद करो, उन्हें अप्लाई करना सीखो, अभी तक आ जाना चाहिए। नहीं आया है स्टार्टिंग से वीडियोस देखो आइडेंटिटी वाली, अगर आप लोग आइडेंटिटी सीख नहीं आए हो तो प्लीज, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो।